Assalamu alaikum, dear students. Welcome xpacademy.com, jahan par aap step by steps Photoshop CS 6 Urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, Photoshop CS 6 ke aaj ke is lesson ke andar main aapko cropping tool ke bare mein batane ja raha hoon. Ab basically cropping tool क्रॉप टूल है क्या चीज, ये करता क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो डेस्कटॉप पे वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जस्ट ये जो सेंटर वाला डिजाइन है ये रिमेनिंग रहे, बाकी का तमाम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाला एरिया जो है वो खत्म हो जाए. मीन्स कि ये जो आप बॉक्स बनाते हो, ओके, तो जस्ट मुझे ये एरिया चाहिए. तो सेम क्रॉपिंग टूल भी आपके पास यही फंक्शन करेगा. आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को, देखते हैं कैसे ये काम करेगा. मैंने अपने पास फोटोशॉप की एक फाइल ओपन की और यहाँ पर डबल क्लिक करके वॉलपेपर में अपने पास ओपन कर देता हूँ. मेरे पास ये मेरा वॉलपेपर आ चुका है. कंट्रोल ओ प्रेस किया, मेरे पास ये फिक्स हो चुका है स्क्रीन के अंदर. अब डियर स्टूडेंट्स, मैं क्रॉपिंग टूल यूज करने जा रहा हूँ. क्रॉप टूल की जो शॉर्टकट है वो आपके पास क्या है, सी. सी प्रेस करने से आपका क्रॉप टूल निकल कर सामने आ जाता है. और अगर आप इसको तरतीब के लिहाज से देखना चाहें तो आपके पास बिल्कुल क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे आपका क्रॉप टूल आ जाता है. अब जैसे आप इधर यहां पे क्लिक कर देंगे, आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी निकल कर आ जाती हैं, ऑप्शंस भी आ जाती हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं. इसके अलावा अगर आप अपने फोटो एरिया पे देखें, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएंगे. अब बेसिकली आप जिस कॉर्नर से भी इसे लेंगे और अपने माउस को ड्रैग करें नीचे की तरफ, तो आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा. ये बेसिकली वो एरिया बन रहा है जो आपको रिक्वायर्ड होगा. बायर से आप इसका साइज अप एंड डाउन करेंगे, देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है. और इसके मिड पे आ जाए, आप अपनी पिक्चर को रीपोजिशन कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोजीशन चाहिए पिक्चर की कटिंग के लिए. लेट्स से कि मुझे ये पोजीशन चाहिए थी तो मैंने ये ले ली. अब इसके बाद आप इधर ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास होता है रीसेट्स बटन. मसलन अगर आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए, आपको ये पोजीशन नहीं चाहिए, अगेन आप अपनी स्टार्ट वाली पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो आप रीसेट कर सकते हैं. रीसेट किया तो अगेन आप स्टिल क्रॉप के अंदर ही मौजूद हैं और वापस आप इसको पोजीशन दे दें. वापस मैंने पोजीशन दे दी, मुझे अब ये शेप चाहिए. इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो आपके पास क्या है, कैंसिल टूल है. जैसे आप इधर क्लिक कर देंगे, अगेन आपका ये जो टूल है वो कैंसिल कर देगा. अब आपके पास इन दोनों टूल्स के अंदर बेसिकली फर्क क्या आ रहा है, देखें कैंसिल टूल और इसके अंदर फर्क क्या आ रहा है. मिसाल के तौर पर मैंने इसको रोटेट कर दिया और अब मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो देखें अगेन मेरे पास ये शेप बनकर आ चुकी है, ठीक है. अच्छा, वापस इधर आ जाते हैं और इसी तरह से अगेन मैं इधर यहाँ पर आता हूँ, रोटेट में कर देता हूँ इसे. रोटेट कर देने के बाद मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, अगेन ये मुझको रीसेट कर देगा. नेक्स्ट उसके अंदर जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, आपका अप्लाई टूल आ रहा है. मीन जो एरिया आपको सिलेक्ट है, जो रिक्वायरमेंट आपको परफेक्ट चाहिए, उसके मुताबिक आके यहाँ पर आप गुड के ऊपर क्लिक कर दें. जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा क्रॉप टूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, देखें अब आपका क्रॉप टूल आप यहां पर आ चुका है, ठीक है. अगेन मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूं, वापस मैं क्रॉप टूल ही लूंगा अपने पास और मैं इसकी ये सिलेक्शन ले लेता हूं. मुझे डेफिनेटली इस इमेज को कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना था लाइक दिस, कि मेरे पास इस फोटो के अंदर ही कंप्लीट आ जाए. और नीचे से भी कुछ ये मुझे ये शेप चाहिए, ठीक है. अब इसके लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं टिक मार्क पे भी, और सिंपली अपने कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस कर सकते हैं. जैसे मैं इसे इंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास क्रॉपिंग टूल स्टिल अप्लाई हो जाता है. अगेन मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया. अब डियर स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग टूल्स के लिए आप अपने पास कुछ वैल्यूज भी दे सकते हैं, यानी कि आप इसको विड्थ की वैल्यू दे सकते हैं. मिसाल के तौर पे ये जो अभी आपके पास मौजूदा पिक्चर है, इसका जो साइज है देख लेते हैं. इमेज में जाके मैं इमेज साइज में गया,
और इसको मैं इंच पे ले आता हूँ, तो मेरे पास ये 26 इंच और 20 इंच का साइज लेकर आ रही है। अगर मैं इसको रिसाइजिंग करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? ये नहीं कि आपका जो क्रॉप बॉक्स है इसके साइज की मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर आ जाएं, सबसे पहले इस तरफ आ जाएं, आपके पास कुछ बने बनाए साइज होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 4:3। इसका क्या मतलब है? मेरे पास 4x3 का ये साइज आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्पेस लगा कहता हूँ इंच मुझे चाहिए, और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ मुझे 4x3 का इंच साइज चाहिए, तो ये आपके पास 4x3 का इंच साइज लेकर आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इसको टिक कर देंगे, यहाँ पे आपके पास ये टिक हो चुका है। अगेन आप यहाँ पे इमेज में जाएं, साइजिंग में जाएं यहाँ पे, और इसको आप इंचेस के अंदर जाकर देखेंगे तो उसके मुताबिक ही आपका साइज कन्वर्ट कर कर आपको ये दे देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको रेजोल्यूशन के साथ साइजिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? आप यहाँ पर आ जाएं, आपके पास आ गया साइज एंड रेजोल्यूशन। तो आपने कहा साइज मुझे यही चाहिए, लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है आपको चाहिए नियर अबाउट 300। आप इसे ओके कर दें तो अब ये आपके पास 300 के मुताबिक बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको साइजेस वगैरह भी डिफाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे इस बटन आ रहा है रोटेट का, इट्स मीन्स ये आपकी वैल्यू को फ्लिप कर देगा, 3 पीछे चली पहले चली जाएगी और 4 वाली आगे की तरफ आ जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसने उल्टी वैल्यू मेरे पास अप्लाई कर दे दी। अगेन आप इसके अंदर जाकर इसकी सिलेक्शन को अगर कुछ मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जब तमाम सेटिंग आपकी हो जाए तो सिंपली अपने कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस कर दें तो आपका क्रॉपिंग टूल आपका क्रॉपिंग टूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बतानी थी क्रॉपिंग टूल्स के बारे में। बेसिकली बहुत ही इजी टूल है। आई थिंक के आई होप इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होगी। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूम और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। @xpacademy.com की जानव से आपको सर्टिफिकेट भी शुरू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। डी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोज़ की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ कॉल करें 0343-901-777 पर। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।